हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूही ब्यूटी कॉर्नर। आज मैं आपको फेस पैक बनाना बताऊंगी, समर फेस पैक जो आपके स्किन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। पहला फेस पैक है बेसन फेस पैक, जो बहुत अच्छा फेस पैक है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है। सेकंड है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक और थर्ड है एलोवेरा फेस पैक। तीनों में फेस पैक बहुत अच्छे हैं। अभी लॉकडाउन में आपके पास बहुत सारा टाइम है आपके स्किन को केयर करने का, तो आप अपनी स्किन का अच्छी तरह से केयर कीजिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बेसन फेस पैक बनाने के लिए आपको 2 चम्मच बेसन एक बाउल में डालना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। ये टर्मरिक पाउडर आपका प्योर होना चाहिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे लेमन जूस मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, जिससे अच्छा सा पेस्ट बन सके। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें और मिला के एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करें। ये फेस पैक अब रेडी है फेस पे अप्लाई करने के लिए। आप इसे फेस पे लगा के 20 मिनट्स तक रखिए और वॉश कर लें। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाने के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर एक बाउल में डालें। इसके बाद अब इसमें टमाटर का जूस ऐड करें। ये ऐड करने के बाद अब इसमें आप हनी ऐड करें। हनी आपके स्किन को सॉफ्ट करने में भी हेल्प करती है। हनी ऐड करने के बाद इसमें अब लेमन जूस ऐड करेंगे और इसके बाद सबको अच्छी तरह से मिला लें और एक ऐसा फेस पैक आपका तैयार होगा। अब ये रेडी है आपके फेस में अप्लाई करने के लिए। एलोवेरा फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पे पतंजलि एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रेश एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर और रोज़ वाटर ऐड करेंगे। बस ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स मिला लेना है। एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब ये रेडी है आपके फेस में अप्लाई करने के लिए और इसको अप्लाई करके 20 मिनट्स तक रखें और वॉश कर लें।